ये देखिए उड़द दाल की कचौड़ी कैसे बनती है, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप भी इस तरह की कचौड़ी अपने घर पे बनाइए। आप कचौड़ी का साइज़ देख सकते हैं, एकदम खस्ता और एकदम स्टफ़ कचौड़ी बन के रेडी हुई है हमारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MTV किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उड़द दाल की कचौड़ी कैसे बनती है। तो अगर आप भी इस तरह की कचौड़ी बनाना चाहते हैं, वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, जिसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कचौड़ी का। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं इसको इस तरह से मसल मसल के मिक्स करूँगी, जब तक कि ये हाथों में बाइंड ना होने लगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और एक इसका सेमी टाइट डो बनाना है हमने। ये देखिए आप इसमें पानी डालने की जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसको अच्छे से मसल के मिक्स कीजिएगा पहले। ये देखिए ये बाइंड होने लगा है, इट मीन्स कि जो इसमें हमने ऑयल डाला है वो परफेक्ट डाला है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और एक सेमी टाइट सा डो बना लेंगे। तो आप इसमें एकदम से एक साथ पानी ऐड नहीं कीजिएगा। ये देखिए मैं इसमें धीरे धीरे पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मसल मसल के हम सेमी टाइट डो बना लेंगे। डो हमारा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए डो हमारा बनके रेडी है। मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल अप्लाई किया है और अब हम इसको गीले कपड़े से ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए। तो ये मैंने कवर कर दिए है, अब हम इतनी स्टफिंग बना लेंगे। तो जैसे कि हम उड़द दाल की कचौड़ी बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर उड़द धुली दाल ली है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था पानी में। अब हम इसको वॉश कर लिया अच्छे से। अब हम इसको मिक्सी में डाल के दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए दाल को मैंने पीस लिया, आपको दाल के दाने नज़र आ रहे होंगे इसमें, इसी तरह का टेक्स्चर चाहिए हमें दाल का। ये देखिए मैंने इसको दरदरा पीसा है। अब हम स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑयल गरम कर लिया है 1 चम्मच, इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे, जीरा डाल देंगे 1/2 चम्मच, जीरे को फ्राई कर लेते हैं घी के साथ। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बेसन के ऐड करूँगी। बेसन डालने से जो उड़द दाल की स्टफिंग होती है उसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है, बिल्कुल मार्केट जैसी कचौड़ी आपकी बन के तैयार होगी। तो बेसन को हम भून लेंगे, जब तक इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो जैसे जैसे ये भुनेगा एकदम से फ्लफ़ी हो जाएगा। ये देखिए मैं इसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ, आप देख सकते हैं एकदम फ्लफ़ी हो गया ये और इसका कलर भी अच्छा आ गया है और अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे जो हमने पीस के रखी थी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, दाल को आपने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, हल्का दरदरा रखना है इसको, ताकि जो दाल के दाने हैं थोड़े से स्टफिंग में अच्छे लगते हैं। तो मिक्स कर लेते हैं इन सबको भी। ये देखिए दाल और बेसन को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, गरम मसाला डाल देंगे, धनिया पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच मैंने इसमें अमचूर का पाउडर डाला है। मिक्स कर लेते हैं इन सबको। अभी आपको दाल की जो स्टफिंग है काफ़ी स्टिकी दिख रही होगी, बट इसको हम जैसे जैसे भूनेंगे ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और एकदम खिली खिली स्टफिंग हो जाएगी हमारी। तो इसको 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे इसी तरह से लो फ्लेम पे ही। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये भूनती जा रही है ये एकदम से सेपरेट हो जा रही है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ किस तरह से इसका टेक्स्चर चेंज हो रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं दाल का टेक्स्चर किस तरह से चेंज होके एकदम से खिली खिली हो गई है स्टफिंग हमारी। तो दाल को भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको कचौरी को 2 से 3 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो मसाला आपका अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी बिल्कुल भुन चुकी है अच्छे से, दाल हमारी एकदम सेपरेट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, इसको मैं क्रश करके डालूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
ये देखिए मैंने इसको क्रश करके डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें गरम मसाला डालने वाली हूँ, ये होममेड गरम मसाला है तो इससे फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आएगा, तो ये भी डाल देंगे। पहले जो मैंने इसमें गरम मसाला डाला था वो रेडीमेड गरम मसाला था, बट जो होममेड गरम मसाला होता है उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मिक्स कर दिया मैंने इन सबको। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे, तभी हम कचौरियाँ बनाएंगे। गरम गरम स्टफिंग हम कचौरियों में नहीं भरेंगे। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और अच्छे से ठंडा कर लेती हैं इसको। ये देखिए स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। आटे को भी रेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको थोड़ा नीक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मसल के मैं इसको नीट कर लूँगी। अब हम इसके टू पार्ट्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको एक लोग की फॉर्म में बना लूँगी। अब हम इसमें से पेड़ियाँ अलग कर लेते हैं। जितने भी साइज़ के आपको कचौरी बनानी हो, मैं आज छोटे साइज़ की कचौरी बनाने वाली हूँ, तो मैं इसमें छोटी छोटी सी पेड़ियाँ निकाल रही हूँ। आप चाहें तो बड़े साइज़ की भी कचौरी बना सकते हैं। तो ये पेड़ियाँ मैंने रेडी कर ली हैं, तो हम कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम पहले बेल लेंगे। कचौरी की जो लेयर है वो आपको ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। अब हम इसकी एक कटोरी सी बना लेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। ये देखिए स्टफिंग आप इसमें अच्छे से भरिए, प्रेस कर देते हैं इसको। अब हम इसको धीरे धीरे पिंच करते हुए लोक करेंगे। ये देखिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी कचौरी अच्छे से लोक नहीं होगी तो ये ऑयल में जाके फट सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसको अच्छे से लोक करें, कहीं से भी ये कचौरी फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कचौरी फट जाती है तो सारा ऑयल भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए मैंने इसको कितने अच्छे से लॉक किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये कचौरी हमारी बनके तैयार है। ये देखिए मैंने हल्का सा इसको प्रेस कर लिया, क्योंकि मैं छोटे साइज़ की कचौरी बनाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो कचौरी को हाथों से ही बना सकते हैं बिना बेलन की मदद के, इस तरह से रोल आउट करके आप इसमें स्टफिंग भर सकते हैं, या फिर अगर आपको बेलन से इजी लगता है तो आप बेलन से बना लीजिएगा। तो एक मेथड मैं आपको और बताती हूँ, अगर आपकी स्टफिंग डाल के जो कचौरी है वो अच्छे से लोक नहीं हो रही, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी अप्लाई कीजिएगा। ये देखिए कचौरी के कॉर्नर्स पर हम पानी लगा देंगे अच्छे से, जिससे हमारी कचौरी अच्छे से लोक हो जाती है। स्टफिंग भर लेते हैं इसमें। ये देखिए पानी की मदद से हमारी कचौरी अच्छे से लोक हो जाएगी। ये देखिए इसको हम पिंच करते रहेंगे, अंदर प्रेस कर देंगे हम स्टफिंग को। मैंने इसमें खूब सारी स्टफिंग भरी है, क्योंकि कचौरियाँ अच्छी स्टफिंग के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो ये हमारी अच्छे से लोक हो गई है कचौरी, ये देखिए आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया है। तो ये दो कचौरियाँ बनके हमारी तैयार हैं। इसी तरह से मैं सारी कचौरी रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए सारी कचौरियाँ मैंने बना के रेडी कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। ये देखिए अच्छे से लोक कर लिए मैंने सारी कचौरियाँ। तो फ्राई करने के लिए हमारा घी भी गर्म हो चुका है, इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्राई करने के आप इसमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं दिखाइएगा, नहीं तो आपकी कचौरियाँ कच्ची रह जाएंगी, और जो आपने इतनी मेहनत की है आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा कचौरी खाने में, क्योंकि कचौरी एकदम खस्ता हो तभी वो अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए फूल के अपने आप ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। आप देख सकते हैं कचौरी फूलना स्टार्ट हो गई है। तो आप कचौरी को तलने की बिल्कुल भी जल्दबाजी ना कीजिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ किस तरह से इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए कोई भी कचौरी हमारी फटी नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से लोक हैं ये। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप कचौरी को बंद करें। ये देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया कचौरी पे, आप कचौरी का साइज़ देख सकते हैं, सारी कचौरी हमारी फूल भी रही हैं।
आप इन कचौरियों को 2 से 3 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। टी टाइम के लिए बहुत बढ़िया स्नैक आइटम है ये। ये देखिए कचौरी पे हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ गया हमारी कचौरी पे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से हमारी कचौरी अच्छे से कुक हो गई है और कोई भी कचौरी हमारी फटी नहीं है। ये देखिए निकाल लेते हैं अब इन कचौरियों को। तो इसी तरह से मैं सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कचौरी हमारी बनके तैयार हुई है। ये देखिए सारी कचौरियाँ हमारी बनके तैयार हैं। आप कचौरी का कलर देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं, एकदम खस्ता है ये अंदर से, और अंदर उड़द दाल की जो स्टफिंग भरी है हमने वो भी काफ़ी अच्छी भरी है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।